यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए कि सुसमाचार के द्वारा आप सबके घरों में मैं पहुँच सकूँ। धन्यवाद करती हूँ शुभ संदेश चैनल के लिए, धन्यवाद करती हूँ तमाम लोग जो प्रतिक्रिया जताते हैं, प्रार्थना का अवसर देते हैं हमें, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए अवसर देते हैं। इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए अभी हम आज के विषय में आ जाते हैं, आपका संदेश। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस संदेश को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक, आसमान और ज़मीन का पिता, हम धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 119:18 में आपने कहा था, तेरे वचन से हम अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु आपने हमारे मन की आंखें, हृदय की आंखें, आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु। तेरे चरणों में हम प्रभु आपके वचन को सीख सके प्रभु, हालेलुया, और तेरी प्रकाशन को पा सके और उस प्रकाशन को प्रभु अमीन दर्शकों को भी पहुंचा सके। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। आज मैंने जो शीर्षक लिया है, एक एस्तर का किताब है। ये एस्तर बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे, आप लोग कितना बाइबल पढ़ते हैं पता नहीं है, एक एक किताब जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रोमांचक होता है। और जितना पढ़ते हैं, एक समुंदर में जैसे है ना, जितना निकालेंगे उतना ही कम पड़ जाता है। इसे आनंद, हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसका आनंद लेना चाहिए, और फिर उसका जो सिद्धांत, उसका जो लेसन्स हमें जो उस किताब से मिलता है वो अपना जीवन में अमल करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। चलिए हम आज जो किताब एस्तर के किताब से हम कुछ बातें सीखेंगे जो आपकी आत्मिक जीवन के लिए बहुमूल्य है। सबसे पहले हम देखते हैं एस्तर में 10 अध्याय है, 10 अध्याय, इसलिए हम 10 अध्याय तो नहीं पढ़ सकते हैं समय के कारण, लेकिन कुछ आयतें मैं बहुत जो मुख्य बातें हैं, सिर्फ कुछ आयतें मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ और फिर उसका पृष्ठभूमि हम देखेंगे। सबसे पहले एस्तर को मोर्दकाई करके एक व्यक्ति है, उसका चाचा का लड़की थी एस्तर। मोर्दकाई यहूदी था और ये जो एस्तर का इब्रू नाम यह है हदासा। हदासा मतलब लता, जैसे क्रीपर। भजन संहिता 127 और 128 में लिखा है ना, जैसे ग्रेप वाइन बोलते हैं दाख की लता, ऐसे इस तरह से हदासा मतलब लता है। लेकिन जब वो राजा का पैलेस में जाती है तो फिर वहाँ पे उसका नाम एस्तर रखा गया, पर्शियन नेम एस्तर रखा गया, जिसका नाम का मतलब है सितारा। तो यहाँ पे एस्तर से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि ये जो राजा है, उसका जो राजा है जिसका नाम शहर्ष राजा है, और ये बहुत बड़ा साम्राज्य को उस समय राज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे 127 राज्य का अधिकारियों को वो 180 दिन वहाँ पे वो फीस्टिंग कर रहे हैं, पार्टीइंग, यानी कि अपना महिमा, अपना वैभव पूरा उस अधिकारियों को दिखा रहे हैं और लगातार उनको खाना पीना और उनके साथ अलग अलग प्रांत का लोग को एक एक दिन ऐसे अलग अलग बुलाया होगा और उनके साथ पार्टीइंग जैसे कर रहे हैं। और कितना समय किया है, 6 महीने तक, 180 दिन लगातार वहाँ पे फीस्टिंग चल रहे, मतलब वहाँ पे इतना बड़ा धूमधाम से यहाँ पे चल रहे हैं। और फिर आखिर में इसका जो रानी थी उस समय, जिसका नाम वष्टि थी, और उसका भी वो अपने लेडीज़ के साथ बहुत, वो उसने भी फीस्टिंग किया। ये सब कुछ हो गया और आखिर में राजा ने किसी से पूछा होगा, ये सब हमें पता नहीं है, वो अपनी रानी को भी हमें दिखाओ। तो फिर राजा ने कहला भेजा वष्टि रानी को कि वो सारे जो रानी का जो ड्रेस होता है, वस्त्र होता है, वो पहन के, वो जो मुकुट होता है वो सब पहन के राजा के पास, और ये सारे जो ऑफिशियल्स अधिकारी हैं उन सब के पास आने के लिए कहला भेजा।
और फिर लेकिन वश्ती ने साफ मना कर दिया। जब साफ मना कर दिया जो राजा को बहुत तिरस्कार लगा, वो अकेला मना करती थी तो भी शायद उनको इतना बेइज्जती नहीं लगा होगा, लेकिन 180 दिन तक वो जब अलग अलग प्रांतों से अलग अलग राजाओं को अलग अलग अधिकारों लगातार जब उनके सामने बेइज्जती हुआ तो राजा को बड़ा दुख लगा। और फिर वहाँ पे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनसे संपर्क किया और वो लोग ने भी यही कहा कि राजा ये उचित नहीं है, क्योंकि सारी जो औरतें हैं उसको एग्जाम उदाहरण को फॉलो करेंगे, इसलिए उसको रानी का पदवी होने का उचित नहीं है। आखिर में क्या हुआ, राजा उसको पदवी से, रानी का पदवी से हटा दिया। एस्तर का किताब 1:19 में पढ़ रहे, यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आज्ञा निकाले और फरसियों और मीदियों के कानून के लिखी भी जाए, जिसे कभी बदल ना सके, कि रानी वश्ती राजा शहर्ष के सम्मुख फिर कभी ना आ पाएगी, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे के दे दो जो उसे अच्छी हो। हालेलुया। तो हमें कभी भी किसी शादी को या बच्चों को या सेवकाई को या किसी हमारी चीज़ जो सौंपे गए कभी हम हल्का ना ले। कोई चीज़ हमसे छीन लिया जा सकता है अगर हम हल्का लिया तो, इसलिए हर चीज़ का हमारा उद्धार सबसे बड़ी। पौलुस को भी पौलुस तभी कहता है ना कि अपना उद्धार को डरता हुआ कामता हुआ बना के रखो, आखिरी वक्त तक बना के रखो। क्यों ऐसे कहता है, उद्धार तो मिल गया लेकिन उसको आखिरी वक्त तक भी बना के रखना ज़रूरी है। ऐसे ही शादी को, ऐसे ही बच्चों, हर चीज़ को, किसी को हम हल्का ना ले। यहाँ पे वश्ती जो है अपनी पदवी से हटा दी गई है। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं वो दूसरा रानी के लिए खोजी में थे और वो आदेश चले गया और सब जगह से, सब प्रांतों से, सब जगह से बहुत सारे यंग लड़कियां, जवान लड़कियां वहाँ पे राजा का महल में आया। उनको एक साल उनकी प्यूरिफिकेशन बोलते हैं ना, वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाता है, उनका रानी बनने के लिए तैयारी की जाती है। और फिर ये सब हो रहा था, अरे उसी समय मोर्दकै जो अपनी चाचा का लड़की को अपनी बेटी जैसे पालते थे, और जो एस्तर यहूदी थी और वो अनाथ थी, उसको ना मात थी, उनको ना बाप थे, को वो अनाथ थी, तो उसका चाचा ने उसको पाला जिसका नाम मोर्दकै। और फिर उसने जैसे जवान लड़कियों को सब भेज रहे थे तो उसने ये एस्तर को भी भेज दिया, हदासा को भी भेज दिया। और फिर वहाँ पे जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 102:13 में ऐसा लिखा है, तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहरा हुआ समय आ पहुंचा। हालेलुया। हाँ, मैं ये वचन आपको बोलना चाहती हूँ, उठकर सियोन पर अनुग्रह करने का समय आ पहुंचा है। हम सब यीशु मसीह, सियोन मतलब कलीसिया, हम सब अनुग्रह का समय आ पहुंचा है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आने का समय आ पहुंचा है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आने का समय आ पहुंचा है। यहाँ पे एस्तर के जीवन में भी अनुग्रह का समय आ चुका है। हम दूसरा अध्याय 17 में लिखा, राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा दृष्टि हुई, और उसी कारण उससे सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर रानी बनाए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने का समय है, तो इसलिए हमेशा उनके अनुग्रह में बने रहिए। कितने सारे स्त्री वहाँ पे तैयार हो रहे रानी बनने के लिए, लेकिन राजा को किसी का पसंद नहीं आया, वो एस्तर सिर्फ पसंद आए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ये एस्तर पर थी। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं किस तरह से एस्तर सिर्फ सुंदर नहीं थी और बहुत सारी खूबियाँ उसने अपने उसमें रानी पद में भी दिखाई। हालेलुया। और फिर रानी तो बन गई है, और फिर उसके बाद हम आगे 19 वचन से लेकर हम 23 पद तक देखते हैं कि वो मोर्दकै
से उसने अपना पुराना बातें नहीं छोड़ा, मतलब क्या है अपने कहाँ से आई उस बात को नहीं भूला। और फिर मोर्दकई जो अपना चाचा था, जब वो अनाथ थी उसने कैसे पाला पोषा, अरे रानी बनने तक लायक बन गई कि अनाथ लड़की रानी बनना, और वो भी इतना बड़ा साम्राज्य का रानी बनना एक मामूली बात नहीं था। हालेलुया। तो यहाँ पे मोर्दकई के साथ लगातार वो संपर्क कैसे भी करके रखती थी, और मोर्दकई के द्वारा, मोर्दकई राजा का फाटक के वहाँ रहते थे, और फिर मोर्दकई जो है उसका चाचा, वो एक दो लोग राजा को मारने के लिए प्लान कर रहे थे, उसने पता कर दिया और एस्तेर को खबर भेजा, और एस्तेर ने राजा को बताया और फिर राजा का जान बच गए। इस तरह से एस्तेर रानी बन के भी बहुत हलीम रहती थी, ये कह सकते हैं। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कुछ बातें जो आगे हुआ है, उस बात को हम देखते हैं कि तीसरा अध्याय में आके ये जो एस्तेर का राज दरबार में एक हामान नामक व्यक्ति था। हामान पता है कौन है? हम पिछले बार एपिसोड में देखा है, ये जो पहला सैमुअल 15 अध्याय में सॉल ने एक राजा को छोड़ दिया था अगाग, जो उसका वंशज का व्यक्ति है, हामान बन के हम एस्तेर का किताब में हम देखते हैं। और ये जो क्या करते थे, जबकि राजा को भी उस समय, राजा को भी क्या करना था कि मोर्दकई को, जब उसने जान बचाया, मोर्दकई को ऊंचा करना था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं वो हामान को ऊंचा किया। और गलत लोग का जब ऊंचा पद मिल जाता है वो क्या करते हैं, वो गलत काम करने लग जाते हैं। इसी तरह से हामान ने एक जो यहूदी होके, ये मोर्दकई कभी झुकते नहीं थे उनके सामने, क्योंकि यहूदियों में ये रिवाज नहीं था किसी ऐसे झुकना किसी के सामने, तो वो यहूदी का रिवाज को वो फॉलो कर रहा था मोर्दकई, और हामान को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उस समय तक राजा उसने बहुत ऊंचा किया और उसके अंदर बहुत घमंड आ चुके थे। घमंड क्या करता है, इंसान को गिराने का कार्य करता है। इसी तरह हामान ने बहुत घमंड से व्यवहार किया, और फिर उसको पता चला कि मोर्दकई यहूदी है, वो षड्यंत्र रच के किसी तरह से वो यहूदी मोर्दकई को सिर्फ नहीं मारना, पूरा यहूदी जात को मारने के लिए राजा को उसने कन्विंस करके, कैसे भी करके उसने एक चिट्ठी निकाला, और उस पुर बोलते हैं ऐसे जो डालते हैं, उसी के अनुसार फिर उसने तारीख निकाला, और फिर पूरा यहूदी समुदाय को मारने के लिए राजा के द्वारा एक चिट्ठी भेजा गया है। और फिर जैसे मोर्दकई को पता चला कि वो बहुत वो दुख मनाने लगा, राख पहन के बहुत रोने लगा, और फिर वो एस्तेर को पता चला कि इस तरह से मोर्दकई बहुत दुखी है, उसने खबर भेजा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं मोर्दकई, क्या बात है उसे पता करो। फिर तब यह एस्तेर ने कब ऐसे ऐसे हुआ है, ये जो हामान है पूरा यहूदी कौम को मारने के लिए हुक्म राजा से निकलवाए और चिट्ठियां भेजा है ऐसे करके। फिर जब पहले क्या बोला पता है कि वो चौथा अध्याय का मैं 14 और 16 पढ़ रही हूँ कि एस्तेर कहती है कि रानी को ऐसे राजा के सामने भी कभी भी जाना ऐसे बहुत अलाउड नहीं है, ये ऐसे करके वो अपना जो शारीरिक प्रतिक्रिया वो जताती है, जो स्वाभाविक होता है, जो मनुष्य का प्रतिक्रिया वो जताती है। और उसने कहा कि 14 में उसने ऐसे बोला कि मैं राजा के पास जब मर्जी ऐसे ही नहीं जा सकती हूँ, मेरा जान भी जा सकता है, ऐसे करके जब मोर्दकई को बोला, मोर्दकई ने क्या जवाब दिया, एस्तेर मैं 4:14 पढ़ रहे हैं कि क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो मोर्दकई ने उसका अपना जिम्मेदारी को
जताया, बोल रहे हैं तुम इस वक्त जब सारे यहूदी समुदाय मर रहे हैं, तुम अपना एक जान के लिए तुम फिक्र करते हो, तो तुम नहीं करोगे इस वक्त तो कोई और करेगा, लेकिन तू और तेरा घराना नाश हो जाएगा, ध्यान रख लो। आज भी हम जिस समय में जो करना था हमको करना है, नहीं करेगा तो क्या होता है, कोई और करेगा, लेकिन हमसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। फिर उसने दूसरी प्रतिक्रिया बिल्कुल पवित्र आत्मा का प्रतिक्रिया थी। फिर एस्तर ने मोर्दकाई को कहला भेजा, 15 और 16 में पढ़ रही हूँ, कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन 3 रात कुछ ना खाओ और कुछ ना पियो, और मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गए तो हो गए। हालेलुया। तो रिस्क लेना, यही फेथ बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, जो अपने प्राण को, जो लिखा है ना कि अपने प्राण को बचाने के लिए हम करेंगे तो हमारी प्राण नाश हो सकता है, अपने जान को खतरे में डाल के जब इतना पूरा यहूदी समुदाय को बचाने के लिए निर्णय किया तो इसका भी प्राण भी बच गए और पूरा यहूदी का समुदाय भी बच गए। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया हमेशा पवित्र आत्मा का अनुसार, वचन के अनुसार होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जब एस्तर ने 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना किया, आपको पता है उपवास प्रार्थना बहुत महत्व होता है, आपको पता है नेहमिया ने भी उपवास प्रार्थना किया, और फिर योना ने जिसका मछली में 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी 3 दिन 3 रात वो खबर में थे। इस प्रकार से उपवास प्रार्थना करने से क्या होता है कि वो शैतान एक्सपोज हो जाता है, ईविल एक्सपोज होता है, बुराई जो सामने आ जाता है, और फिर बुराई नाश भी हो जाता है अंत में। ऐसे ही हुआ यहाँ पे। फिर क्या हुआ देखिए, फिर वो एस्तर ने निर्णय किया, अगर मैं नाश भी हो जाऊँ तो भी मैं राजा के पास जाऊँगी। फिर उसने निर्णय किया, और फिर मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ, एस्तर वो उपवास 3 दिन 3 रात सारे यहूदियों के साथ खुद भी और अपने सहेलियों के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर से आदेश ले ली, फिर राजा के पास गई, और एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसने काम किया। परमेश्वर का जब प्लान मिलता है हमको इस पृथ्वी में भी, वो प्लान पूरा करने के लिए बहुत एक क्लैरिटी मिलता है। ऐसे ही उसने एस्तर ने एक दिन वो बैंक्वेट बोलते हैं ना, जो दावत, वो उसको बुलाया हामान को, और फिर दूसरा दिन दोबारा राजा को और हामान को बुलाया। तब तक परमेश्वर ने उस शैतान को, उस ईविल को, उस बुराई को एक्सपोज कर चुका था। और फिर उसी टाइम में, जैसे फिल्म में क्लाइमैक्स का सीन होता है ना, वैसे उसका अंत का समय आ गया। हर एक चीज़ के लिए अंत का समय होता है, बुराई का भी अंत का समय होता है, लेकिन हम सब्र करना है, हम प्रार्थना में लगे रहना है। और यहाँ पे क्या है, हामान ने मोर्दकाई को फांसी लगाने के लिए पूरा प्लानिंग बना के, क्योंकि उसने, राजा ने उसको इतना ऊंचा किया ना, उसका घमंड भी इतना ऊंचा हो गया, और मोर्दकाई को सिर्फ फांसी लगाना और पूरा यहूदियों को मारने का प्लान किया, लेकिन पूरा उल्टा हो गया। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया। रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी, और फिर उसने किताब में देखा मोर्दकाई ने एक बार उनका जान बचाया, फिर पूछा लोगों से कि किया नहीं किया। उसी टाइम हामान राजा से परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए, उसको फांसी लगाने के लिए आ रहा था। तब उसने मोर्दकाई से पूछा, ऐसे लोग को क्या सम्मान देना है, उसने सोचा मुझे सम्मान कर, फिर पूरा उसका, उसी मोर्दकाई को, हामान को राजा का वस्त्र पहना के उनके घोड़े में बिठा के पूरा शहर घुमाना पड़ा, और फिर बहुत उनका मूड ऑफ हो गया, और दूसरा दिन फिर दावत में जाना था। तब तक परमेश्वर राजा को भी तैयार किया, और फिर वो मोर्दकाई को भी तैयार किया, एस्तर को भी तैयार किया, और हामान को भी ख़त्म करने का तैयारी किया। और फिर रानी ने, फिर उसने सब कुछ उस समय देख के उसने बोल दिया कि मैं यहूदी हूँ, ऐसे हामान ने ये सारा कुछ गलत करने के, यहूदी समेत मारने के लिए
ही किया था। तब राजा ने फिर उसने कहा उसी फांसी में जहां मोर्दकाई के लिए बनाया गया है उसी उसमें हामान फांसी लगाया गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एस्तर 7:10 पढ़ तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया, उस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। अब राजा भी एस्तर और मोर्दकाई सब एक हो गया और हामान को फांसी दिया गया। नीति वचन 26:27 में लिखा जो गड्ढे खोदे उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। और भजन संहिता 7:15-16 में लिखा है जो खाई उनके बनाई थी उसमें आप ही गिरा, उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। और सबोदेशक 10:8 में लिखा जो गड्ढे खोदे उसी में गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। इस तरह से जो हम दूसरों के लिए करना चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। इसलिए हमको बुराई को नहीं करना है, हमेशा जितना हो सके भलाई को करना है। अपना समय, अपना थोड़ा, अपना धन, जितना लोगों को मदद कर सकते हैं, जितने परिवार को बचा सकते हैं, जिंदगी बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करते रहना। क्योंकि गलतियाँ 6:9 में लिखा ना कि तुम भलाई करते रहो अपने समय पे वो कटनी को ज़रूर आप काट पाओगे। हालेलुया। उसी तरह से हम देखते हैं कि अब जो है राजा शहर्ष सब कुछ उसको समझ में आ गया और फिर एस्तर को पूरा अधिकार दिया। ठीक है, मैं अपनी चिट्ठी को मैं ही पलट नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसे करो कि दूसरा चिट्ठी बना दो। और एस्तर को 8 में लिख के इतना अधिकार दिया। हालेलुया। एस्तर के ऊपर इतना अनुग्रह देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 8:8 में लिखा सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी का छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाएगी उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए और उसका कोई भी पलट नहीं सकता। तो राजा शहर्स ने एस्तर को मोर्दकाई को अनुमति दिया, तू जो लिखना चाहते हो लिख लो। और यहूदियों को हाँ वो चिट्ठी तो नहीं पलट सकते, लेकिन उसने अलग से एक चिट्ठी बना के उसने कहा यहूदियों को कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकते, वो यहूदी लोग अपने आप को बचा सकते, कोई नुकसान हानि पहुंचाने के लिए आए तो अपने आप को बचा सकते हैं और सरकार का लोग भी उनके साथ देंगे। तो सब लोग को पता चल गया कि हम लड़ने से हमें नुकसान हो जाएगा। फिर नेचुरली जो है वो लड़ाई थम गई, ऑलमोस्ट थम गई। और कुछ लोग थे, बहुत कुछ लोग थे जो नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, उस लोग को यहूदी लोग उनको पलट के उसने मार दिया। करीब 500 लोग ऐसे कुछ मार दिया गया। हामान को सिर्फ नहीं मारा, उनके 10 बेटे थे उन सबको फांसी दिया गया। पूरा शत्रु का जो बीज जो है ख़त्म किया गया। और फिर आखिर में मोर्दकाई नेक्स्ट टू द किंग जो राजा था, कितना अच्छा लगा पढ़ने में कि 10:3 पढ़ रहे हैं निदान यहूदी मोर्दकाई शहर राजा के नीचे था और यहूदियों के दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उसे प्रसन्न थे क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोग के शांति की बातें कहा करता था। कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में कि ये शहर्ष राजा के जस्ट नीचे कहाँ गेट में सिक्योरिटी गार्ड जैसे था, कहाँ अभी राजा के नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन में मोर्दकाई आ गया। और मोर्दकाई और एस्तर मिल के पूरा कितने साल तक उसमें अन्य जाति राजा के उस साम्राज्य में भी इतना शाइन किया। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है। और फिर ये जो दिन है जो यहूदी लोग बचाया गया उसको अभी तक भी इज़राइल में एक पूरिम करके एक पर्व मनाया जाता है, परमेश्वर की वफादारी को याद करने के लिए एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कितना बड़ी बात है ना, कहाँ से कहाँ परमेश्वर ने कहाँ से कहानी को कैसे पलट दिया कि राजा को भिखारी और भिखारी को राजा, अनाथ लड़की को रानी, क्या क्या, और रानी को
पदवी से निकाल दी, किस तरह से, कितना कितना रिवर्सल्स बोलते हैं ना, कैसे हुआ ये सब होता है। हम प्रार्थना में हम परिस्थिति देख के, किसी को पोजीशन को देख के या कुछ आगे बढ़ रहे, कोई भी ऐसे चीज़ को हमारे सामने दिख रहे हैं, हम उनको नहीं देखना है, वचन को थामे रहना है, यीशु को देखते रहना है और पवित्र आत्मा का सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। जो एस्तेर के साथ हुआ है, जो आपके साथ भी होगा, जो हामान जैसे दुष्ट जो आपके जीवन में करना चाहता है वो नष्ट हो जाएगा और परमेश्वर का नाम आपके द्वारा, आपका परिवार के द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा, आपके नौकरी के द्वारा ऊंचा ज़रूर होएगा। इस कहानी ज़रूर पढ़िएगा और कितना कितना परमेश्वर एक मिनट में कुछ भी पलट सकता है। एस्तर किताब में परमेश्वर करके हम पढ़ते नहीं है, लेकिन परमेश्वर का काम को हम देखते हैं, उनका एक्शन को हम देखते हैं। तो इसी किताब में हमें दो बार भारत देश का भी जिक्र देखते हैं, जो शहस राजा है उसका जो साम्राज्य है वो भारत देश से इथियोपिया तक फैला हुआ था। इस तरह से हम एस्तर का किताब में बहुत कुछ बातें सीखने को मिला। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज हम एस्तर किताब में देखते हैं प्रभु कैसे एक एस्तर एक अनाथ लड़की थी, उसने चाचा ने कैसे पाला, फिर अपने एक कहां से रैग्स टू रिचेस ऐसे एक अनाथ लड़की कैसे रानी बन गया, सिर्फ रानी नहीं बन गया, अपना पूरा यहूदी समाज को कैसे प्रभु आशीष का कारण बन गया, जिंदा रहने का कारण बन गया परमेश्वर, और कैसे मोर्दकै उनका चाचा को भी राजा से नेक्स्ट ऐसे बनने का, पूरा उस पर्शियन साम्राज्य में भी प्रभु एक सितारे, सचमुच जैसे उसका नाम दिएगा सितारे की तरह वो चमकी थी प्रभु। आज भी हम यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग का आशीष का कारण बनेंगे, चाहे हम कुछ भी परिस्थिति गुजर रहे, हम उसको नहीं देखेंगे, हम वो एंड रिजल्ट को देखेंगे और ज़रूर उस एंड रिजल्ट को हम पाएंगे प्रभु, और हम सितारे नए चमकेंगे प्रभु। जो सितारा कभी फेड नहीं होंगे, जो सितारा कभी ख़त्म नहीं होंगे, परमेश्वर के सितार बन के रहेंगे। और जैसे एस्तर का किताब हम आज भी हम उसका नाम बाइबल में पाया जाता है, ऐसे ही हमारा नाम एक एक नाम प्रभु और हमारा काम भी जिंदगी किताब में भी पाया जाएगा, जो न्याय के सिंहासन पास हम खोला जाएगा और उसका इनाम को हम ज़रूर पाएंगे प्रभु, और उस समय बहुत बड़ी खुशी मनाएंगे, तेरे जय का उत्सव में हम शामिल होंगे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।